नमस्कार, मैं कामेश्वर शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष सर्व अनुबंध कर्मचारी महासंघ हिमाचल प्रदेश, और आप सभी मीडिया कर्मियों का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आप समय समय पर हमारी जो प्रमुख मांगे हैं उन्हें उठाते रहते हैं। हालांकि मांगे हमारी बहुत ज़्यादा नहीं है, केवल एक मांग है कि जो अनुबंध कर्मचारी अभी सितंबर 2024 तक अपने 2 वर्ष का अनुबंध समय पूरा कर चुके हैं, उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र नियमित किया जाए और उनके नियमितीकरण की जो प्रक्रिया है उसे आरंभ किया जाए। पहले ये प्रक्रिया वर्ष में 2 बार की जाती थी, मार्च महीने में और सितंबर महीने में, जिनके 2 साल पूरे हो जाते थे अनुबंध समय पर, तो उन्हें क्रमशः अप्रैल तथा अक्टूबर महीने में नियमित किया जाता था। लेकिन जो आज ये हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसका जो प्रमुख कारण है वो सरकार के द्वारा की गई 2 दिसंबर 2023 को नोटिफिकेशन है, जिसके अनुसार केवल अब वर्ष में 1 बार अनुबंध कर्मचारियों को मार्च महीने में या अप्रैल महीने में नियमित किया जाएगा। और इससे लगभग प्रदेश के 4000 अनुबंध कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं। न केवल उन्हें वित्तीय नुकसान है, अपितु उन्हें वरिष्ठता का भी नुकसान है। इस विषय को लेकर हम जनवरी महीने से लगातार सरकार से मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री के समक्ष तथा अन्य मंत्रियों के समक्ष, CPS हो या MLAs हो, उनके समक्ष हमने अपनी मांग को प्रमुखता से रखा है और बहुत बार हम मिल चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, न्यूज़ बाइट भी दी, और आप लोगों ने हमारा मुद्दा पहले भी आगे सरकार तक पहुंचाया है, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद हम करते हैं। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से इस तरह की नियमितीकरण की जो एक प्रक्रिया थी उसे शुरू नहीं किया गया है। तो हमारी सरकार से केवल यही विनती है कि शीघ्र अतिशीघ्र आप जिन अनुबंध कर्मचारियों के 2 वर्ष का समय सितंबर 2024 तक पूरा हो रहा है, उन्हें आप शीघ्र अतिशीघ्र अक्टूबर महीने में नियमित करें, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जिस तरह से अगर हम देखें, किसी विभाग में नियुक्ति होती है और कोई अनुबंध कर्मचारी ज्वाइन कर लेता है 31 मार्च को, और सेम विभाग में दूसरा व्यक्ति ज्वाइन कर रहा है 2 अप्रैल को किसी कारणवश 1 या 2 दिन बाद, तो उसका अनुबंध समय जो है वो सीधा 1 वर्ष अधिक हो जाता है, 3 वर्ष का अनुबंध समय हो जाता है। अब इस निर्णय में सरकार अनुबंध कर्मचारियों का क्या भला देख रही है, ये वही जान सकते हैं, वही बता सकते हैं। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, मानसिक रूप से काफ़ी हमारे अनुबंध कर्मचारी जो है वो पीड़ित है। काफ़ी लोगों के फ़ोन कॉल्स आते हैं, बोलते हैं हम कब रेगुलर हो रहे हैं, शिमला चलो, ऐसा करो, वैसा करो, लेकिन हमारा मर्यादा में रहकर ही कार्य करना अभी हमारा ये विचार है। क्योंकि यदि मर्यादा में रहकर कार्य किया जाए, शांतिपूर्ण तरीके से कार्य किया जाए, तो ये सभी के लिए सही रहता है। और हमने पहले भी बताया कि हम काफ़ी बार CM महोदय से मिलने का प्रयास कर चुके हैं, 11 बार लगभग हम मिले भी उनसे अलग अलग स्थान पर, और 7 से 8 बार ऐसा भी हुआ कि हम बिना मिले वापस हुए, 4-4 घंटे बारिश में भीगते रहे लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। बहुत संघर्ष किया है, काफ़ी हमारे साथी ऐसे हैं या लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि अनुबंध कर्मचारियों का मुद्दा अब उठ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आप अतीत में जाकर देखें तो आप ही मीडिया कर्मियों ने हमारे मुद्दे को पहले भी इसी तरीके से लोगों के सामने, आम जनता के सामने तथा सरकार के सामने उजागर किया है और इस बात को रखा है। हालांकि पहले हम जितनी बार मुख्यमंत्री महोदय से मिले उन्होंने हामी भरी थी, लेकिन वो पूर्ण रूप से हामी नहीं थी, साथ में वो आर्थिक संकट का भी उसमें बात अपनी रखते थे। लेकिन फिर हमने जब करवत प्रार्थना की, हमने कहा कि सर इस कार्य को आप कर सकते हैं, कृपया इस कार्य को शीघ्र अतिशीघ्र करें, या फिर नोटिफिकेशन को आप अगर रद्द नहीं कर सकते, कैंसिल नहीं कर सकते, तो कम से कम नोटिफिकेशन से पहले जिन लोगों ने ज्वाइन किया है, अभी हम सितंबर 2024 में रेगुलर होने वाले, हमारे बैच को निकाल दीजिए, क्योंकि केवल हमारा ही बैच एक ऐसा रहेगा अनुबंध कर्मचारियों का जिनको 1 वर्ष का अतिरिक्त नुकसान होगा। 6 महीने का लॉस तो हमारे को वैसे भी हो रहा है, अप्रैल में जिन लोगों की हमारी ज्वाइनिंग हुई है, 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं अनुबंध कर्मचारी हमारे, तो वो 6 महीने तो वैसे भी काट रहे हैं, तो आगे और ज़्यादा लॉस होगा। और इसी वजह से न केवल वित्तीय नुकसान, वरिष्ठता का नुकसान भी है, और महंगाई आज के दौर में इतनी है कि अनुबंध कर्मचारियों का
गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। तो सरकार से केवल इतनी प्रार्थना है करबद्ध तरीके से कि शीघ्र अतिशीघ्र हम अनुबंध कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया को आरंभ शीघ्र अतिशीघ्र किया जाए। धन्यवाद। जी, अगली रणनीति देखिए, बहुत सारे संगठन जो बड़े बड़े संगठन हैं उन्होंने हमारी बात को प्रमुखता से आगे रखा है, उन्होंने भी सहयोग किया है और उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन भी बड़े संगठनों ने हमारी बात को रखा है आगे। तो हमारा अगला तो यही रहेगा कि विधानसभा में ये मानसून जो सत्र चलेगा अभी, इसके दौरान उनसे मिला जाए, सरकार से मिला जाए एक बार शांतिपूर्ण तरीके से, या सचिवालय में मिला जाए। बाकी तो कार्यकारिणी के बीच विचार विमर्श करने के बाद ही अगला कदम उठाया जाएगा। लेकिन हमारे जो हमारी एक सोच है वो यही सोच है, हमारा यही सोचना है कि मुख्यमंत्री महोदय जरूर हमारी बात पर गौर फरमाएंगे और शीघ्र अतिशीघ्र अनुबंध कर्मचारियों के साथ न्याय करेंगे। इस तरह का व्यवहार वो भी कदापि नहीं चाहेंगे कि अनुबंध कर्मचारियों के साथ, केवल अनुबंध कर्मचारियों का एक बैच जो है उसके साथ ऐसा हो, तो इस तरह से वो नहीं चाह सकते, क्योंकि वो एक बहुत अच्छी छवि के इंसान हैं और काफ़ी अच्छे से बात को सुनते भी हैं, बात को रखते भी हैं। तो हमारा यही प्लान है आगे का।